नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया टीम में आपका एक बार और स्वागत है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर हम सभी जानकार हैं। किस तरह से रूस ने यूक्रेन पर अचानक हमला कर दिया और रूस की सेना यूक्रेन की सड़कों पर घूम रही है। उसके टैंकर या हवाई हमले की बात करें तो इससे यूक्रेन की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वहाँ के यूक्रेन के करीब 5 लाख शरणार्थी भूख और घर की वजह से परेशान है। वहाँ पर यूक्रेन में फंसे छात्र, जो भारतीय छात्र हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला कर दिया था, लेकिन चिंता की बात पूरी दुनिया को यह भी सता रही है कि अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा अगर यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला होता है या परमाणु हमला होता है तो कितनी तबाही बचेगी, इस पर पूरी दुनिया की एक चिंता भी बनी हुई है। परमाणु हमले की कितनी गुंजाइश है यह हम सभी जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये भी जान लेते हैं कि रूस और यूक्रेन पर हमले की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले हमले की शुरुआत जानने से पहले हम थोड़ा पहले जाते हैं। बात है नवंबर की। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर लगभग 2 लाख सैनिक तैनात कर दिए थे और उसने यह भी यकीन दिलाया था कि यह सैनिक केवल प्रशिक्षण के लिए है। फरवरी में रूसी सेना ने क्रीमिया और बेलारूस में अभ्यास शुरू कर दिया था। इस अभ्यास के बीच रूसी सेना अपना षड्यंत्र बनाती रही और वह यूक्रेन में घुसने की तैयारी करती रही। फिर 24 फरवरी आई। 24 फरवरी को पूरी दुनिया को पता चला कि रूसी सेना ने यूक्रेन की सेना पर हमला कर दिया है। यह जानकर पूरी दुनिया में एकदम सन्नाटा हो गया कि ये क्या हो गया। रूसी सेना ने 24 फरवरी को अचानक से ही हमला कर दिया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी चालाकी और एक प्लानिंग के साथ में अपनी सेना यूक्रेन के बॉर्डर के अंदर लगा दी थी और 24 फरवरी को रूसी सेना यूक्रेन के शहर पर हमला करने लगी और उसके टैंक और सेना शहर के अंदर सड़कों पर टोलने लगी। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हवाई हमला भी किया, इससे काफ़ी जान माल का भी नुकसान हुआ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह सब यूक्रेन में अपनी नई सरकार बनाने के लिए किया है। रूस के हमले से यूक्रेन के राष्ट्रपति झुके नहीं, बल्कि उन्होंने डटकर मुकाबला किया और इसका पूरी तरह से सामना भी किया। रूस के हमले की वजह से यूक्रेन में करीबन 5 लाख शरणार्थी भूख और घर की वजह से परेशान हो चुके हैं, जहां पर कुछ भारतीय छात्र भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सभी देश यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को वह अपनी सैन्य शक्ति नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि रूस ने धमकी दी हुई है कि जो भी अगर यूक्रेन का साथ देगा वह रूस का दुश्मन कहलाएगा। इस वजह से कोई भी देश रूस को सैन्य शक्ति नहीं भेज पा रहा है, लेकिन उसको आर्थिक सहायता या जो हथियारों की सहायता है वह उसको कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को बाकी देशों का पूरा सहयोग मिल रहा है। पश्चिमी देशों ने रूस को आर्थिक सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है और रूस की करेंसी इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे रूस आर्थिक स्थिति से तो कमज़ोर हो जाएगा, बल्कि उसे काफ़ी बड़ा झटका भी लगेगा। इतना ही नहीं, बल्कि रूस की जनता भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विरोध कर रही है। रूस की जनता पुतिन को हिटलर के समान मान रही है। उसका कहना है कि पुतिन अपने विरोध करने वालों को शांत कर रहा है, लेकिन वह पुतिन के खिलाफ में हमेशा डट के खड़े रहेंगे, लेकिन वह अपनी छवि जनता के बीच अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बातचीत के बीच कुछ शर्तें रखी गई थी। यह बातचीत 27 और 28 के बीच करीबन हुई थी, उसके बीच में कुछ शर्तें रखी गई थी, लेकिन दोनों इन शर्तों पर ना ही तो यूक्रेन माना ना ही रूस इन शर्तों को मानने के लिए तैयार है। आप जानते होंगे अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो इसके बीच कितनी तबाही बचेगी। परमाणु हमले को हम सभी ने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि परमाणु हमले का असर कई सालों तक उनके परिवारों के बच्चों पर और कितने सालों तक उसका असर रहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया है। उन्होंने बता दिया है कि परमाणु अपने हथियार वो तैयार करके रखें। रूस यूक्रेन पर इसलिए दबाव बना रहा है क्योंकि न्यूक्लियर की बात करें तो पूरी दुनिया में रूस दूसरे नंबर पर न्यूक्लियर पावर में आता है। न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा रूस और अमेरिका के पास में है। अगर इसके 1% की बात करें तो 90% पूरी दुनिया में 90% न्यूक्लियर पावर रूस के और अमेरिका के पास में है। इस वजह से रूस धमकी दे रहा है यूक्रेन को और सभी देशों को, अगर ये परमाणु हमला होता है तो इससे
यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और शायद हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध की भी संभावना हो सकती है। लेकिन अगर अभी आंकड़ों से देखा जाए तो इस तरह से अभी कोई भी आंकड़ा नहीं बताता है कि परमाणु हमला होने की कोई चांसेस है। लेकिन अगर रूस को किसी भी तरीके से अगर लगता है कि उसको परमाणु हमला करना चाहिए तो इससे पूरी दुनिया में कई तरह की तबाहियां मच सकती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह खबर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।